एक मेरा सवाल ये था कि हम लोग लैब में काम करते हैं, जहाँ अल्ट्रासाउंड में काम करते हैं, तो वो गैर महरम भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आती हैं लोग, तो उनका टच करना मतलब हम लोग करते हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? जो जी सर, गैर गैर महरम औरतें रेडियोग्राफी जो आती होती है। हैं, जो औरतें अजनबी औरतें आती हैं, उनका सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या इस तरह जो भी मेडिकल चेकअप है, उसके लिए उन्हें टच करना, असलन इसका हुक्म ये है कि ये जायज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा हराम काम है। ये छोटा हराम नहीं है, बहुत बड़ा हराम काम है ये। और ये सिर्फ एक सूरत में जायज़ है, सिर्फ एक सूरत में, जब आपके पास कोई रास्ता ना हो, कोई रास्ता ना हो कि उस औरत का चेकअप करने के लिए कोई लेडी डॉक्टर या कोई लेडी नर्स है। अगर कोई नहीं हो और इसका कोई रास्ता भी नहीं है इसके इंतजाम करने का, तो फिर ऐसी सूरत में सही होगा। लेकिन अगर रास्ते मौजूद हैं, जो कि हकीकत में मौजूद है हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, तो ऐसी सूरत में किसी भी मर्द डॉक्टर के लिए औरत को टच करना ये जायज नहीं है, अजनबी औरत को। ये सिर्फ मजबूरी की सूरत में जायज है। और आप ये बेहतर समझ सकते हैं कि क्या आपके यहाँ मजबूरी है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के माहौल में बेशतर जगहों पर मजबूरी नहीं है। अगर डॉक्टर चाहें, हॉस्पिटल वाले चाहें, मरीज चाहें, तो लेडी डॉक्टर का, लेडी नर्स का इंतजाम हो सकता है। जी तो शेख, अगर हम लोग ने जी वही भाई, पढ़ाई की है, वही हम लोग करते हैं, तो फिर हम लोग के लिए दुरुस्त नहीं है? कि इसमें कोई शक नहीं है कि इल्मे तिब ये बहुत शरीफ इल्म है, बहुत शरीफ पेशा है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत चीज में किया जाए तो जाहिर है वो हराम है। और हमारे मुल्क में लेडीज डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन लोग इस मसले को बहुत मामूली मसला समझते हैं। वो समझते हैं क्या हरज है अगर किसी औरत को किसी मर्द ने टच कर लिया, उसको चेक कर लिया, यहाँ तक कि जो उनके पोशीदा अमराज होते हैं या डिलीवरी वगैरह का मसला होता है, लेडीज डॉक्टर्स, लेडीज नर्सें मौजूद होने के बावजूद भी लोग मर्दों के पास जाते हैं, ये चीज जायज नहीं है। ये उसी सूरत में जायज है जब मजबूरी हो, कोई ना हो। मान लीजिए कोई केस क्रिटिकल हो गया, वहां पे जो लेडीज डॉक्टर्स या नर्सें हैं वो हैंडल नहीं कर सकती, अब ये मजबूरी है। लेकिन जब तक मजबूरी नहीं है तब तक ये जायज नहीं है। इसी तरह से वो लोग जो इल्मे तिब हासिल करते हैं, उन्हें भी हासिल करते वक्त भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, इस बात को नोट कर लें कि आपका मकसद अगर ये है कि इस इल्म के जरिया से मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो हराम है, तो आपके लिए उस इल्म का हासिल करना हराम है। इल्मे तिब हासिल करना ये मुबाह है, मुबाह की जो है कैटेगरी में आता है हमारी शरीयत के अंदर, बसा औकात ये फर्ज ऐन या फर्ज किफाया भी हो जाता है। तो अगर वो काम आप इस नियत से कर रहे हैं कि मैं इसको शरीयत के बताए हुए अहकाम और उसके हदूद के मुताबिक इसको प्रैक्टिस करूंगा, तब तो ये जायज है, बल्कि कारे सवाब है, अगर सवाब की नियत से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं, समझते हैं, आपकी नियत, आपका इरादा ये है कि मैं गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करूंगा, तो उस इल्म का हासिल करना भी आपके लिए हराम है। तो लिहाजा आप डॉक्टरी पढ़ें, बेशक पढ़ें, लेकिन शरीयत के जो हदूद हैं उनकी पाबंदी करें। जो लेडीज मरीज आए, आप उनको लेडीज डॉक्टर के पास भेजें, जो जेंट्स हैं आप उनका इलाज करें। और आमतौर से हमारे यहाँ तो शेख ऐसा होता नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए आमतौर से जो है नर्सेस होती है, या वो जो लेडी डॉक्टर होती है वही जो है आमतौर से करती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अमूमन अमूमन यही होता जी। है जी। और जैसे सीटी स्कैन वगैरह भी होता है ना शेख, तो उसमें अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो भी उसमें खातून ही आती है, अलबत्ता मशीन वगैरह पर जेंट्स बैठे होते हैं जो रिपोर्ट वगैरह निकाल रहे होते हैं, वरना आमतौर से जो जरूरत पड़ती है हेल्पर की तो वो लेडीज ही होती हैं। हाँ देखिए अगले शेख, के जी हाँ, अगर अगर इंसान एहतियात करना चाहे, अगर वो चाहता है कि मैं दीन पर अमल करना चाहता हूँ, उसके अंदर तकवा है, तो उसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं भाई। जी अगर मान लीजिए लेडीज मशीन नहीं चला सकती है, रिपोर्ट नहीं चेक कर सकती है, तो वो लिटाने का काम, मशीन को उसके जिस्म पर ले जाने का काम, ये सारा काम जी तो नर्सें कर सकती हैं आसानी के हाँ साथ। बिल्कुल लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज भी बेगैरत होते हैं, बहुत सारे मुस्लिम डॉक्टर्स भी बेगैरत होते हैं, उनके अंदर गैरत नहीं होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बहुत मामूली चीज समझते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, वो तरीके बिल्कुल हमारे सामने वो तरीके मौजूद होते हैं, लेकिन हम उस पर अमल करना ही नहीं चाहते।